parte, Dr. Cortez. आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे मेरे ग्रत और आप सबके बहुत बहुत प्यारे कवि श्री वसीम अली साहब को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसिया सभी जितने भी रचनाकार हैं उन सबको नमन करता हूँ और सर्वेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं इनके लिए भी और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं और मैं सच बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस करता रहा हूँ कि साहित्य की जो का जो आमिर है उसमें घुटन चलने वाला जो बालक होता है उस तरह की मेरी हैसियत है। मैंने कभी कहा बहुत मुश्किल काम होता है कभी कोई भी कला करना हो उसकी ऊंचाई तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। दो चार पंक्तियां हाथ आ जाती है तब समझते हैं कोई बड़ी बात हो गई। मैंने ये बात कहने की कोशिश की बचपन से लेकर अब तक कोशिश कर रहा हूँ कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा शायद यहां है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं जाने कहां है तू। कला की बड़ी चीज है और मैं अरविंद जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उनकी टीम को जिन्होंने इतना बहुत अच्छा संचालन किया बहुत अच्छा कवि सम्मेलन का संयोजन किया और साथ साथ कौमी एकता के लिए और सद्भाव के लिए जो सम्मेलन है उसके बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा जो कार्य किया है बहुत अच्छे उद्देश्य से काम हुआ है क्योंकि सारी दुनिया में तो बड़ी नफरतें फैलाई जा रही हैं तो मैंने कहा कि फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया फूल को खार बनाने पे तुड़ी है दुनिया सबको अंगार बनाने पे तुड़ी है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की मुझको दीवार बनाने पे तुड़ी है ऐसे मुझको दीवार बनाने पे तुड़ी है दुनिया और हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं उनको हथियार बनाने पे तुड़ी है दुनिया। ऐसे में ये ऐसा कार्यक्रम किया जाए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब लोग मिलकर के इसको सद्भाव के साथ में जोड़ें और एक दूसरे से ये कहें किसी प्रकार की नफरत पैदा हो ही ना सके बल्कि हम एक दूसरे से ये कहें कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है और ये भी कह पाए कुछ तुम बदल के देखो कुछ हम बदल के देखें कुछ तुम बदल के देखो कुछ हम बदल के देखें जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें कुछ तुम बदल के देखो लगता है ये बदल ही आएगी काम अपने लगता है ये बदल ही आएगी काम अपने आएगी काम अपने खुशियां बदल के देखी अब गम बदल के देखें जैसे भी हो दिलों का चार पंक्तियां और कहने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपने देखा होगा जब आदमी कई बार गुस्से में जब होता है तो कसी मुठ्ठियां लेकर के आता है। मैं इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ सारी बात है तब कहता हूँ दिलों की सांकलें खोलो जहन की कुंडियां खोलो
दिलों की साख ले और जहन की ये कुंडियां खोलो, दिलों की साख ले और जहन की ये कुंडियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो। ये खास बातें आप देखिएगा सब एक दूसरे से बातें दिलों की साकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद सभी तो कह सकते हैं, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियां खोलो मिलाना है, कसी मुट्ठी को लेकर गुस्से में हो शायद, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो। और मैं शाहजहांपुर से बहुत प्यार से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 45 साल पहले भी मैं यहाँ पर शाहजहांपुर में आया था और तब से लेकर अब तक निरंतर आपके प्यार मुझे मिलता रहा है। तो मैं पुरानी यादें भी आती हैं मुझे, बहुत युवक था समझ में आया था, माना भी युवक अभी हूँ तो कहना चाहता हूँ जी चुपक कर उससे पहले भी आया था। बहुत खुश हूँ कि मैं फिर उस कहानी तक चला आया, बहुत खुश हूँ कि मैं फिर उस कहानी तक चला आया, बहुत खुश हूँ कि मैं फिर उस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। और मित्रों अगली पंक्तियों में एक ऐसा काफी एक ऐसा दुकान आया है जो आपको अच्छा लगे मुझे बताइएगा, बहुत खुश हूँ कि मैं फिर उस कहानी तक चलाया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चलाया, कन्हैया बन के मेरी उम्र में ढाका जो बचपन ने, कन्हैया बन के मेरी उम्र में ढाका जो बचपन ने, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चलाया, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चलाया, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चलाया। और मित्रों जिस गीत के लिए आदेश मुझे हुक्म मिला है उससे पहले चार पंक्तियां और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, देखिएगा क्योंकि मेरा विश्वास ये है अभी प्यार की बहुत सी बातें हुई लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी अगर कोई है तो वह है इंतजार, वह है प्रतीक्षा, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर रहा कुछ और कर रहा है, मेरी धारणा ये है। तो इसलिए प्रेम के संदर्भ में बहुत सी बातें हुई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पंक्तियां कह दूं। यूं है कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तो कहना चाहता हूं तरुण नमा सुनिएगा, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, और इंतजार की बात, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिलों का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिलों का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी
चलने नहीं अच्छी मैं प्रमोद तिवारी जी की उस झूठी टोपी के लिए याद आई उनकी और मुझे आपका आशीर्वाद मिले मुझे याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया मैं कैसे मानूं लूं मैंने भुला दिया आवाज कर रहे हैं बातें कर रहे हैं कृपया अंदर आ जाएं
गीतकार गीत पढ़ रहा है और आप लोग कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं, आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग कृपया अंदर आकर के डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे गीतकार को सुनिए। वसीम साहब की तरफ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। हाँ दादा, आप गीत सुन क्योंकि दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए सारे जमाने हाथ में पत्थर उठा लिए, इंसान की फितरत है। जो चार बार हम जो कभी हंसा लिए सारे जहाने हाथ में पत्थर उठा लिए और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। हम तो पॉजिटिव सोच के रखती है, तब हम कहना चाहते हैं तो दुनिया ने उसमें फेंके। कहता हूँ कि दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए सारे जहाने हाथ में पत्थर उठा लिए, मैं जवाब दे रहा हूँ कि उसने फेंके मुझे पत्थर, उसने फेंके मुझे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। रोज सभी की शक्ति होनी चाहिए, उसने फेंके मुझे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो कहना जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको याद रहे ना रहे, ये पंक्तियां याद रह जाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। कहता हूँ कि उसने फेंके मित्र पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे, बिल्कुल निगेटिव बात है, पॉजिटिव बात कह रहा हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिया। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। तब अब गीत की तरफ मुड़ता हूँ। बादल बिजली और परवाई से एक बहन अपने दर्द का बयान करना चाहती है, उसके माध्यम से पिता माँ और मैं अपने भाई तक कहना चाहती हूँ कुछ भी। ढाई मिनट का गीत है, मन से सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने आदेश दिया कि बदरी बात कर रही है, बदरी बाबुल के अंगना जइयो, बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां। कांटे निधि है मोरे मन की मछरिया, काटे निधि है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। तो बिजुरी बिजुरी मैया के अंगना जइयो, बिजुरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां। अंतिम पंक्तियां, ना तो उसे रक्षाबंधन पे भेजा गया, ना राखी ही भेजने दी गई, तब भी किस तरह से अपना रक्षाबंधन मना लेती है। एक सूझ है, उस सूझ पर आप सबका आशीर्वाद उसने चाहता हूँ। अगर कुछ हो पाए तो बताइए। बदरी
बाबुल के अंगना आ जइयो जइयो बरसियो ओ कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां। अब के बरस राखी भेजु न पाई अब के बरस राखी भेजु न पाई सुनी रहेगी मोरे पीर की कलाई सुनी रहेगी मोरे पीर की कलाई। तो पुरवा पुरवा भैया के अंगना जइयो पुरवा भैया के अंगना जइयो छू छू कलाई कहियो छू छू कलाई कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखिया कहियो अब के बरस राखी भेज न अब के बरस राखी भेज न पाई सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। तो पुरवा पुरवा भैया के अंगना जइयो छू छू कलाई कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखिया कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखिया। बबुली बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां बिटिया की अखियां।